केंद्र सरकार देश में डिजिटल सेवाओं पर जोर दे रही है ताकि लोगों को इसकी सुविधाएं मिले और उनका समय भी बचे। इस दिशा में कॉमन सर्विस सेंटर बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। वहीं सरकार की योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। वंदना तिवारी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन कर रही हैं। आइए उनसे जानते हैं वो इस योजना से कैसे जुड़ी और उनके सेंटर पर लोगों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। कॉमन सर्विस सेंटर से का एड निकला था पेपर में, तो हमने एड देखा था। वो एड देखने के बाद में हमें वो जो उन्होंने दिया था मैटर, वो अच्छा लगा कि सारी सुविधाएं एक छत के नीचे दे रहे हैं। हम ऐसे ही प्लेटफॉर्म की जरूरत थी हमें। एससी सेंटर पे गवर्नमेंट के जितने भी काम आते हैं, जैसे शौचालय वगैरह के फॉर्म है, वो सब हम लोग कराते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना बीमा, चाहे वाहन बीमा हो चाहे जीवन बीमा हो, इसके अलावा पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और पासपोर्ट है। डिजिटल सबसे मेन चीज है, डिजिटल लिटरेसी वो भी हम करते हैं, कैशलेस को भी लोग बताते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर खुलने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। सीएससी को लेकर इनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। आधार कार्ड बनवाने हैं, बहुत मान है, कहीं भागना नहीं पड़ता, पैसे वैसे कितने नहीं काटने पड़ते, आराम से काम हो जाता है। एकदम बढ़िया योजना है, कोई यानी किसान पंजीकरण है, पैन कार्ड है, सभी चीज़ें यहाँ पर लाइन में नहीं लगाना पड़ता है। सरकार की योजना का बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है कि हम लोग 10 किलोमीटर दौड़ के आते हैं, यहाँ पे सारी सुविधाएं हमको एक ही जगह पे मिल जाती हैं। उपस्थित आधार कार्ड भी यहाँ बन जाता है, पैन कार्ड भी बन जाता है। इस योजना से बहुत फायदे हैं, सब कुछ डिजिटलीकरण हो रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कैशलेस व्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। वहीं लोगों को अब अलग अलग जगहों पर जाकर काम के लिए भटकना नहीं पड़ता।